नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी किचन। आज मैं मैंगलोर का ऑथेंटिक डिश नीर डोसा कैसे बनता है दिखाने जा रही हूँ। ये बहुत ही हेल्दी है, इसमें बिना तेल का बहुत ही टेस्टी डोसा कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। इसके लिए मैंने कटोरी लिया है और एक ग्लास चावल ले रही हूँ, तो चावल डाल लेते हैं। ये देखिए, एक ग्लास चावल को मैं भिगो दूंगी। अभी मैंने एक ग्लास पानी डाल के इसको भिगो दिया है। 2 घंटे के लिए हम लोग इसको भिगो देंगे। मैंने चावल 2 घंटे के लिए भिगोया था। मैंने इसमें थोड़ा सा नारियल लिया है, अभी इसको पीस लेंगे। अभी इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, इसको पीस लेंगे। ये देखिए, हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। चलिए डाल लेते हैं थोड़ा सा पानी। ये देखिए, कंसिस्टेंसी एकदम पानी होना चाहिए, क्योंकि ये इसका नाम ही नीर डोसा है। ये देखिए, मैंने नमक डाल के मिला लिया है। मैंने 4 ग्लास पानी डाला हुआ है। 1 ग्लास चावल के लिए 4 ग्लास पानी डाल दीजिए। ये बिल्कुल ही ऐसे कंसिस्टेंसी में होना चाहिए। चलिए, अभी ये रेडी है। वैसे तो ये नीर डोसा मैंगलोर का डिश है, आप जब भी इसको खाते हो उसके साथ एक मीठा देते हैं। इसके साथ तो बिल्कुल नीर डोसा बहुत ही टेस्टी होता है, इसके बिना तो बिल्कुल अधूरा है। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। मैंने थोड़ा सा नारियल लिया हुआ है पीस के, उसमें थोड़ा सा मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें जैगरी पाउडर, 2 से 3 स्पून जैगरी पाउडर डाल रही हूँ। इसको मिला लीजिए, बिल्कुल ही बहुत टेस्टी होता है, आप जरूर बना के खाइएगा उसके साथ। ये देखिए, ये अभी रेडी है। इसके साथ मैं चटनी भी बना लेती हूँ। मैंने थोड़ा सा नारियल लिया है, थोड़ा सा नमक और 1 मिर्चा, इसको पीस लेंगे। ये देखिए, हमारा चटनी बिल्कुल रेडी है। चलिए इसको तड़का लगा लेते हैं। अभी मैंने थोड़ा तेल ले लिया है, थोड़ा सा सरसों। ये देखिए, तो सरसों कूट रहे हैं। चलिए अभी बनाते हैं। मैंने तवा रख लिया है, तवा गर्म हो गया है। थोड़ा सा तेल अप्लाई कर लेंगे। जहाँ जगह काली जगह है पूरा डाल लीजिए और एक बार ऐसे कर लीजिए, पूरा स्प्रेड हो जाएगा। थोड़ा सा बीच में इसको अच्छे से पकने दीजिए। ये डोसा को 2 साइड पकाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये 1 साइड में ही पक जाता है। आप चाहिए तो इसको बंद करके भी रख सकते हो। ये देखिए, ऐसे साइड से निकलता भी है। ये देखिए, ऐसे है। ये देखिए, ये ऐसे कितना अच्छा सा निकल गया। देखिए,